नमस्कार दोस्तों, स्टार किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ बनाऊंगी पनीर भुर्जी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसे मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया है। इसके बाद हमने लिए हैं दो मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैंने बारीक काटा हुआ है, एक टमाटर जिसे मैंने बारीक काटा है, दो से तीन हरी मिर्च, एक शिमला मिर्च, अदरक और लहसुन जिसे मैंने ऐसे चॉप्ड कर लिया है, बारीक कटा हुआ धनिया ले लेंगे। मसालों में हम ले लेंगे ये नमक आप स्वाद के अनुसार लें, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, बनाने के लिए एक चम्मच तेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन गरम होने पर इसमें जो हमने तेल डाला है ये गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे ये चॉप लहसुन और अदरक, इसे फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो जाए तो हम इसमें डालेंगे ये हरी मिर्च डाल लेंगे इसमें, और ये प्याज को भी इसमें डाल लेंगे। और इसे फ्राई कर लेंगे जब तक कि प्याज थोड़ा सा पक ना जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को, पकने तक इसे चलाना है। ये प्याज जब हमारा थोड़ा पक जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे ये शिमला मिर्च, इसे भी पका लेंगे। थोड़ा थोड़ा पकाना है सब्जियों को, शिमला मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालें वरना इसे अवॉइड कर सकते हैं। इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब ये बारीक कटा हुआ टमाटर डाल लेंगे इसमें, इसे भी पका लेंगे दो मिनट के लिए। ये हमारा पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, ये रेड चिली, ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर भी डाल लेंगे, मिला लें इसे और एक दो मिनट के लिए मसाले को भी पका लेंगे। ये मसाला पक चुका है हमारा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पनीर जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ है, और इसे इस तरीके से मिलाएंगे ताकि सारे मसाले इसमें मिल जाएं। मिला लें इसे, ये देखिए मिल चुका है। ढंग से मिला लें इसे। अब इसमें नमक ऐड कर लेंगे, नमक आप स्वाद के अनुसार लें। ये गरम मसाला डाल देंगे ऊपर से और इसे मिला लेंगे फिर से। देखिए ये पनीर भुर्जी हमारी बन चुकी है ऑलमोस्ट। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से इसमें हरे धनिया की पत्ती डाल लेंगे। मिला लें इसे थोड़ा सा। और इसे सर्व कर लेते हैं। ये हमारी पनीर भुर्जी बनके तैयार है। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।